हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है इंदुलेखा भृंगा ऑयल। ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है जो कि हेयर फॉल के लिए यूज होता है और एक ये कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकिंग में आता है जिसपे गोल्डन और ब्लैक कलर से प्रिंट है और ये 100 ml की बॉटल है। ये आपको 432 rupees की मिल जाएगी। जब मैंने इसको मंगवाया था तो इसमें 20% एक्स्ट्रा था, तो मुझे ये 120 ml 432 rupees की मिली। आप इस प्रोडक्ट को इजीली 2 साल तक यूज कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें कुमारी, द्राक्षा, भृंगा ये सारे जो हैं ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं इस प्रोडक्ट में, जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं और आपकी हेयर फॉल को कम करते हैं। और इंदुलेखा भृंगा ऑयल जो है वो एक रेगुलर हेयर ऑयल नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो इसका यूज आपको जैसे इसकी लीफलेट में लिखा है या तो वैसे करना चाहिए, नहीं तो जैसे आपके फिजिशियन ने डायरेक्ट किया है वैसे यूज करना चाहिए इसका। अब मैं आपको ये बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें एक ये बॉटल होती है ऑयल की और एक ये लीफलेट होती है। इस पे लिखा है कि इंदुलेखा भृंगा ऑयल जो है वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए, जो कि आपके हेयर को ग्रो करने में हेल्प करती है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि हेयर लॉस क्या होता है, एक्सेसिव हेयर लॉस क्या होता है और रीजन क्या होते हैं एक्सेसिव हेयर लॉस के, इंदुलेखा ऑयल क्या है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे कि इसमें भृंगराज है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए जाना जाता है और आपकी हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, और इसमें आंवला है, इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और इंदुलेखा ऑयल क्यों इफेक्टिव है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी राइट डोसेज क्या है। जैसे कि इसकी लीफलेट पे लिखा है कि अगर आपका माइल्ड हेयर फॉल है, मतलब ज्यादा बाल नहीं झड़ रहे हैं, तो आपको हफ्ते में 3 बार इसको यूज करना चाहिए, और अगर आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आपको हफ्ते में इसको 4 बार यूज करना चाहिए। आपको इसको 2-3 घंटे लगा के रखना है बालों पे, फिर अपने हेयर को वॉश कर देना है किसी भी क्लेंजर से। या तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको रात में लगा के सो जाएं और सुबह उठ के अपने बाल धो दें। और फिर इसकी बॉटल की बात की जाए तो एक ये प्लास्टिक की बॉटल आती है जिसके ऊपर ये कोम्ब होता है, इसको सेल्फी बॉटल भी बोला जाता है। और इसका जो ये कोम्ब होता है ये ऑयल अप्लाई करने के लिए यूज होता है। इसमें टाइनी होल्स हैं जो कि ऑयल को इवनली आपके स्कैल्प पे स्प्रेड कर देते हैं ताकि आपके बालों में ये अच्छे से लग जाए, स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ऑयल। वो कोकोनट बेस्ड ऑयल है जो कि आपके स्कैल्प से ड्राइनेस रिमूव करता है और आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है, आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि आपको आपके बालों को ये डैंड्रफ क्योर करने में हेल्प करता है। और मैं अब आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसमें ऑयल कैसा निकलता है और क्या है। इजीली उससे ऑयल निकाल सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो ऑयल है ये डार्क ब्राउन कलर का है, थोड़ा सा ब्राउनिश मैरून शेड आ रहा है हल्का सा। ये कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मतलब हल्का सा गाढ़ा है जो कि आपके स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है, आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल आयुर्वेदिक चीजों की स्मेल आती है। आप स्मेल करके बता सकते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है। और देखा जाए इसकी बॉटल तो ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, और इसका जो कैप है जब आप ऑयल अप्लाई करते हो तो यहाँ से ऑयल जो है वो लीक होता रहता है, जैसे आपकी फिंगर पर लग जाता है, तो इससे ऑयल की वेस्टेज बहुत होती है। इसकी बॉटल है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, इसकी बहुत डिजाइन जो है वो बहुत क्रिएटिव है, बट फिर भी इसमें से ऑयल लीक होता रहता है जो कि एक माइनस पॉइंट है इस प्रोडक्ट का। और मेरा रिव्यू अगर देखा जाए इस प्रोडक्ट पे तो एक पॉजिटिव रिव्यू है, क्योंकि मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि खादी शैम्पू यूज करने के बाद मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे,
तो फिर मैंने ये ऑयल अमेज़न से मंगवाया था और इस ऑयल को कम से कम मैंने 2-2.5 महीने लगाया है और मुझे अपने बालों में विजिबल रिजल्ट्स पता चले हैं। मेरे बाल जो कि पहले बहुत झड़ने लगे थे अब वो कम हो गए हैं, मेरी हेयर फॉल काफी कम हो गई है पहले से और मेरे बाल जो है वो काफी अच्छे हो गए हैं एज कम्पेयर टू जैसे वो पहले थे। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रोडक्ट पे अपना रिव्यू दूं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं।